यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 19 जुलाई 2024 और दिन है शुक्रवार का। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये बिल्कुल ताजा अपडेट और देखते हैं आज कैसा माहौल श्री माता वैष्णो देवी भवन और पूरे यात्रा ट्रैक पर बन रहा है। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं आज श्री माता वैष्णो देवी भवन में माता रानी की तीनों पिंडियों को किस प्रकार से श्रृंगार किया गया। तो फिलहाल आप कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी की तीनों पिंडियों के दर्शन। घर बैठे हम देख सकते हैं कि आज भी माता रानी को लाल चोले के अंदर सजाया गया है। माता रानी के आभूषण आप देख सकते हैं और तीनों पिंडियों के ऊपर तीन मुकुट और उनके साथ साथ माता रानी को कमल के फूल सभी पिंडियों पर अर्पित किए गए हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि माता रानी की तीनों पिंडियों के सामने एक स्वास्तिक का चिन्ह अंकित किया गया है। फूलों द्वारा इसको बनाया गया है और काफी ज्यादा सुंदर आज के नजारे लग रहे हैं। आपको माता रानी का श्रृंगार कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये थे माता रानी का श्रृंगार और आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर आज भी पान गंगा के अंदर जल सामान्य बना हुआ है। अभी भी यहाँ पर कोई तेज बहाव से पीछे जल आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पर स्नान आराम से कर सकते हैं। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप जब बाण गंगा के अंदर स्नान करें तो आप बिल्कुल भी साबुन का इस्तेमाल ना करें। इस जगह पर ये काफी पवित्र जल होता है और इस जल को लोग पीने के बाद आगे अपनी यात्रा को भी जारी रखते हैं। तो आपसे यही आग्रह है कि कभी भी इस जल के अंदर कपड़े ना धोएं और ना ही यहाँ पर नहाने के वक्त साबुन का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई दूसरा शख्स ऐसा करता हुआ दिखता है तो आपको उसे तुरंत टोकना है, आपको केवल उसको देखते नहीं रहना है। तो ये थे आज बाण गंगा के नजारे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट हमारा, और वो है मौसम का हाल। आइए जानते हैं कि आज पूरा दिन किस प्रकार से मौसम बने रहने की उम्मीद है। मौसम की बात करें तो कल यानी 18 जुलाई को हमने शाम के वक्त यहाँ पर बारिश होते हुए देखी और 17 तारीख को भी काफी अच्छी बारिश लगातार एक घंटा यहाँ पर चली थी। आपको बता दें कि आज के दिन यहाँ पर कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलने वाला है और आज पूरा दिन आपको धूप खिली हुई मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ बीच बीच में बादल आपको आते हुए दिखेंगे और कुछ इसी प्रकार से बादलों के साथ सूर्य देवता की लुका छुपी आज बनी रहेगी। अगर बात करें टेम्परेचर की तो मैक्सिमम टेम्परेचर आज 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और मिनिमम टेम्परेचर आज का रहने वाला है 19 डिग्री सेल्सियस। आपको बता दें कि आज अगर आप यात्रा ट्रैक पर यात्रा करेंगे और आप दोपहर के वक्त अगर यात्रा कर रहे होंगे तो आपको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धूप की वजह से आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है और आपको थकान भी जल्दी महसूस हो सकती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी थोड़ी सी बनी रहेगी और जब नमी और तेज धूप यहाँ पर देखने को मिलती है तो आपके शरीर के अंदर थकान जल्दी हो जाती है। तो कोशिश करें अपने आप को धीरे धीरे आगे इस यात्रा के अंदर बढ़ाएं। आपको तेज गति से चलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज अच्छी खासी धूप भी देखने को मिल सकती है और इस दौरान आपको जितना धीरे चलेंगे और साथ ही साथ अपने आप को हाइड्रेटेड रखकर चलेंगे तो ही आपको इस यात्रा के अंदर आराम से यात्रा कर पाएंगे, नहीं तो आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। और जैसे कि हम अपने सभी व्यूवर्स को हमेशा बताते हैं कि जब इस प्रकार का मौसम रहता है तो आपको अपने साथ पानी की बोतल के अंदर ORS या फिर ग्लूकोज मिलाकर ही चलना चाहिए, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ आपको एक उपाय और बताते हैं हमेशा, वो है रात के समय यात्रा करने का। जी हाँ, अगर आप ऐसे मौसम के अंदर यात्रा करना चाहते हैं तो आप या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाकर अपना RFID कार्ड काउंटर से 4 बजे के आसपास अपना कार्ड बनवा लें और उसके बाद अपनी इस यात्रा को शुरू कर दें। अगर आप वहाँ पर 8:30 या 9 बजे से पहले अर्ध कुंवारी पहुँच जाते हैं तो उसके आगे वाले रास्ते में आपको परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि आगे आपको हिमकोटी मार्ग से अगर जाते हैं तो पूरे रास्ते में आपको टीन सेट मिलने वाली है जिससे आपको धूप से बचाव भी हो जाता है और साथ ही साथ उस पूरे रास्ते पे आपको सीधी धूप देखने को भी नहीं मिलने वाली है, काफ़ी अच्छा मौसम वहाँ पर मिल जाता है।
इसी के साथ आज मौसम के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि भवन पर भी आज मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री बना हुआ है, तो रात के समय तो आपको थोड़ी ठंडक महसूस हो सकती है, लेकिन दिन के समय यहाँ पर एक नॉर्मल टेम्परेचर ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दिन के समय भी आज आपको भवन पर भी धूप देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें रात के समय यात्रा करने की, तो आप रात के समय यात्रा करेंगे तो आपको ये कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ना तो आपको धूप की परेशानी, ना ही आपको ह्यूमिडिटी की परेशानी होने वाली है। रात के समय आप अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी श्रद्धालुओं का ये सवाल रहता है कि क्या रात के समय यात्रा करना सेफ है, तो आपको बता दें कि पूरे वैष्णो देवी यात्रा के अंदर आपको कहीं पर भी सेफ्टी से संबंधित कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आप इस यात्रा के हर एक पड़ाव पर, हर एक मोड़ पर बिल्कुल सेफ रहते हैं, चाहे आप इस रास्ते से जा रहे हैं या हिमकोटी मार्ग पर जा रहे हैं, आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली। फिलहाल हम देख रहे हैं चरण पादुका के दृश्य, और ये वही स्थान है जहाँ पर माता रानी ने पीछे मुड़कर भैरवनाथ जी को देखा था, और इस स्थान पर माता रानी के पद चिन्ह चिन्हित हो गए थे, और आज भी इस मंदिर के अंदर आप वो पद चिन्ह देख सकते हैं। और हम जब भी यात्रा करते हैं माता रानी के चरणों से आशीर्वाद लेकर अपनी आगे की यात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये था आज के मौसम काल, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या के बारे में। यात्रियों की संख्या बताने से पहले आप सभी लोगों को एक सूचना देने चाहते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो हमारे साथ इस यात्रा को करना चाहते हैं। आपको बता दें कि हम अपने सभी साथियों के साथ इस बार 31 अगस्त 2024 को श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, और आपको बता दें इस बार कटरा के अंदर 1 तारीख को लगभग यक्षोम के साथ यात्रा करने के लिए 300 से 400 लोग शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, एक सबसे बड़ा ग्रुप अभी तक का ये रहने वाला है, और इसके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से एक साथ इतने लोग यात्रा करेंगे। अगर आप भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी या तो डायरेक्ट हमें कटरा मिल सकते हैं, या फिर आप हमारे पैकेज के साथ भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें 2750 रुपये के पूरे पैकेज के अंदर हमारी टीम ने जो तैयार किया है, इसके अंदर आपको आने जाने की थर्ड एसी की ट्रेन की सुविधा कंफर्म टिकट के साथ मिल रही है, और उसके अलावा आपको इसके अंदर होटल की फैसिलिटी भी दी जाएगी। होटल की फैसिलिटी के अलावा आपको बाय कार आपका लोकल कन्वेंस भी दिया जाएगा, जिसके अंदर आप स्टेशन से सीधा होटल के अंदर और होटल से सीधा आप माता रानी के फ्रिस्किंग पॉइंट जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ तक भी पहुँचाया जाएगा। और इन चीज़ों के अलावा आपको वापसी के अंदर भी इसकी सुविधा मिलने वाली है। इसके अलावा आपको रोप वे की सुविधा भी इसी पैकेज के अंदर दी जा रही है। तो ये पैकेज केवल उन भक्तों के लिए बनाया गया है जो अपने आप इस यात्रा करने में थोड़ा सा असमर्थ रहते हैं। अगर चाहें तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, या फिर आप सीधा में डायरेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन पर भी मिल सकते हैं जहां से हम अपनी इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं यात्रियों की संख्या के बारे में। आपको बता दें कि कल काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या के अंदर कमी नजर आई है, और इसका संबंध सीधा डोडा और कठुआ के अंदर हुए आतंकवादी हमलों के साथ देखा जा रहा है। लेकिन आप सभी लोगों को बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के अंदर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, ये यात्रा बिल्कुल सेफ रहती है। आप यहाँ पर आने से ना मुकरें, क्योंकि जो सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं ऐसा भारत के किसी भी अन्य तीर्थ स्थल पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। फिलहाल आंकड़ों की बात करें तो आज भी लगभग 20,000 के आसपास ही यात्री यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उतनी ज्यादा संख्या ये नहीं है। लगातार यहाँ पर थोड़ी गिरावट कुछ दिनों से यहाँ पर हुई है, लेकिन आशा है पूरी कि आगे लगातार यूं ही सामान्य इन यात्रियों की संख्या बनी रहने वाली है। और कल शनिवार और रविवार दो दिन ऐसे रहने वाले हैं जहां पर यात्री एक बार फिर से अपने अच्छी खासी संख्या में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये थी यात्रियों की संख्या के बारे में हमारी आज की एक रिपोर्ट। आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम के बारे में। आइए अब बात करते हैं अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम के बारे में। तो आपको बता दें कि यात्रियों की संख्या सामान्य होने के कारण अब अर्थ क्वारी पे केवल 24 घंटे के आसपास का वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। जी हां, 24 से 28 घंटे का वेटिंग टाइम, और यहां पर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर नंबर आने की पूरी उम्मीद आज की जा सकती है। लेकिन कल बता दें आपको वीकेंड शुरू हो जाएगा तो एक बार फिर से ये आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात करें तो अभी केवल 24 से 28 घंटे तक का वेटिंग टाइम आप सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। इसी के साथ ही जैसे कि आप सभी को पता है कि अब आप आरती का टोकन नंबर लेकर भी आरती में शामिल हो सकते हैं, और साथ साथ गर्भजून गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं तुरंत आरती के बाद ही। आपको बता दें 300 रुपये का टोकन आप ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको श्राइन बोर्ड
की वेबसाइट पे जाना होगा जो है maavaishnodevi.org। इस वेबसाइट से आप अपनी आरती का टोकन भी बुक कर सकते हैं या फिर आप अर्थ क्वारी में डायरेक्ट जाकर ही इसको ले सकते हैं डोनेशन काउंटर से। इसके बाद अधिकतर लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या हमें अर्थ क्वारी के दर्शन केवल एक बार ही करने चाहिए, क्या हम बार बार गर्भजून गुफा से प्रवेश कर सकते हैं। तो आपका बता दें कि इसका जवाब आपकी श्रद्धा और आस्था पर ही निर्भर करता है। हालांकि श्राइन बोर्ड में कहीं पर भी इस प्रकार की बातें नहीं लिखी है जिसके अंदर ये कहा गया हो कि आपको केवल एक बार ही जीवन के अंदर गर्भजून के दर्शन करने। अगर चाहे तो श्राइन बोर्ड ऐसा लिख सकता है जिससे यहाँ पर होने वाले रस को भी कम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा जाता क्योंकि इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है। ये लोगों की बनाई हुई कुछ इसी प्रकार की कहानियां होती हैं। आपको बता दें कि हम उस गुफा में हमेशा प्रवेश करना चाहेंगे जिस गुफा के अंदर माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी। कई श्रद्धालुओं का कहना है और कई बुद्धिजीवियों का ये भी कहना है कि अगर आप इसमें एक से ज्यादा बार गर्भजून गुफा से प्रवेश करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हालांकि मेरा जवाब इस बारे में यही है कि अगर हम केवल अपने स्वार्थ को सोचते हुए माता रानी के दर्शन करने जाते हैं तो उसमें हमारे दर्शनों का कोई भी औचित्य नहीं रहता है और ना ही कोई फायदा होता है। हम उस गुफा में हमेशा प्रवेश करना चाहेंगे जहां पर माता रानी ने तपस्या की थी और जब भी हमें मौका मिलेगा हम उसके अंदर बार बार प्रवेश करते रहेंगे। और ये केवल मेरा एक अपना ओपिनियन खुद का है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर केवल जीवन में एक ही बार जाएं या मौका मिलने पर बार बार जाएं। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट अन्य सुविधाओं के बारे में। अन्य सुविधाओं के अंदर बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रोप वे सर्विसेज का। और आपको बता दें कि रोप वे की सर्विस बिना किसी रुकावट के आज भी पूरा दिन यूं ही चलने वाली है। हालांकि तेज बारिश के अंदर इसको बंद रखा जाता है लेकिन आज ऐसे ही कोई भी आशंका नहीं है कि तेज बारिश यहां पे देखने को मिलेगी। बादल छाए रहेंगे और हल्की हल्की बारिश हो सकती है लेकिन तेज बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, तो रोप वे की सर्विस भी आज पूरे दिन चलती रहेगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरी सर्विस जो है बैटरी कार की सर्विस, जो आपको हिमकोटी मार्ग पर चलने को मिल जाती है अर्थ क्वारी से भवन के लिए और उसका किराया 450 रुपये भवन तक का होता है। और वापस आप आते हैं अर्थ क्वारी तो इसका किराया फिलहाल 300 रुपये लिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस सुविधा को अगर आप लेना चाहते हैं तो सेप्टेम्बर के मंथ में ये केवल वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए ही चालू की गई है। और आपको बता दें अगर आप इसके अंदर जनरल कोटा देखें तो ऑनलाइन के अंदर आपको जनरल कोटा का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। फिलहाल ये सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप पर्सन के लिए ही अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अंदर जाना तो आप वहां से ऑफलाइन इसको ले सकते हैं। और आज की बात की जाए तो आज ये सर्विस भी यहाँ पर सुचारू रूप से चलने वाली है। इसकी सेवा के अंदर किसी प्रकार से कोई भी रुकावट आज देखने को नहीं मिलेगी। सुबह से शाम तक ये सर्विस यूं ही चलती रहने वाली है। इसके साथ बात करें हेलीकॉप्टर सर्विस के बारे में तो आज उसकी सेवा में कुछ रुकावट उत्पन्न हो सकती है क्योंकि विजिबिलिटी कुछ देर के लिए यहाँ पे लो हो सकती है। और जब भी विजिबिलिटी लो रहेगी या फिर हल्की बारिश रहेगी तो इस यात्रा को रोक दिया जाएगा हेलीकॉप्टर द्वारा। तो ये थी आज की सभी बिल्कुल ताज़ा अपडेट जो हमने आपको इस वीडियो के सहारे से बता दी। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज आपको सुबह 11 बजे के आसपास एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन घर बैठे ही मिल जाए और आप घर बैठे ही माता वैष्णो देवी के ताज़ा नज़ारे का लुत्फ उठा पाएं। इसके अलावा आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि आप अब घर बैठे माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट के अंदर, तब तक सभी भक्तों को जय माता दी। मेरा बुलावा।